घुमियो प्रखंड अंतर्गत समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के समीप स्थित डाक बंगला परिषद में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। मेला का उद्घाटन जिप अध्यक्ष सुनीता देवी, वीडियो कपिल कुमार, सीओ संदीप अनुराग टोपनो, जिप के सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र राज एवं चिकित्सक प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उस मेला में 23 स्टॉल लगाकर मरीजों को स्वास्थ्य लाभ देने का कार्य किया गया। मेला को सफल बनाने में डॉक्टर रंजन, डॉक्टर निशा किंडो, डॉक्टर कुमारी पूनम सिंह, डॉक्टर गोस्वामी, डॉक्टर एन के सिन्हा, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर रूपम, डॉक्टर अम्बेडकर, बसंती टुंडो सहित अस्पताल के तमाम कर्मियों ने अपना योगदान दिया। विभाग के द्वारा प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है। इसमें है तो अधिक से अधिक तरह के हैं डॉक्टर का, स्वास्थ्य कर्मी का और ऐसे सुविधाओं का है प्रदान किया जा रहा है। इसमें हमारे 6 डॉक्टर हैं अभी और हमारे 23 स्टॉल हैं। जितने तरह के सुविधा हमारे हॉस्पिटल में पहले से है, उसके अलावा हमारे डेंटल के, गायनी के, जनरल सर्जरी के भी ऐसा OPD चल रहा है। उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इसका लाभ उठाएंगे। सर, कोरोना का केस अभी बढ़ता जा रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य विभाग यहाँ इस पर कितना सतर्क है? सर, हम लोग कोरोना का जाँच कर रहे हैं OPD में। अभी तक तो हमारे यहाँ पॉजिटिव नहीं आया है, ऐसे हम लोग सतर्क हैं। अगर यदि कोई पॉजिटिव केस आता है तो ऐसा उसका हम लोग और तेज़ी से जांच करेंगे और जांच के दायरे को बढ़ाएंगे। रही बात वैक्सीनेशन का, हम लोग का वैक्सीनेशन का स्तर अच्छा है, इस वजह से उम्मीद है कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। एक दो केस मिलेगा तो उसका हम लोग उस एरिया को ऐसा और गहनता से देखेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मेला झारखंड अभियान के तहत स्वास्थ्य मेला प्रखंड स्तरीय आयोजन किया गया है, ताकि यहाँ के जो गरीब सुदूर देहात के लोग हैं जिनको स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती आसानी से, वैसे लोगों के लिए बहुत ही उत्तम कार्य है। और इस तरह का स्वास्थ्य मेला का आयोजन जो हो रहा है, इससे जो ग्रामीण तबके के लोग हैं, खास करके जो सुदूर देहात के लोग हैं, वो इससे काफ़ी लाभान्वित हो गए और यह बहुत ही सफल आयोजन है। हमारे यहाँ जो आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, डॉक्टर हैं और जो भी इसके कार्य में लगे हुए हैं, उनका काफ़ी अच्छा योगदान है और ये बहुत ही सफल है और बहुत से लोग यहाँ पर इसका लाभ लेने